जिले में गांव की सरकार चुनने के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फर्स्ट फेज में तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंड में सभी चार पदों के लिए 14 मई को वोटिंग होगी, जिसमें लोग अपने पसंदीदा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्यों को चुनेंगे। नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। नामांकन 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगी। संबंधित पद के लिए प्रत्याशियों को अपने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पर्चा दाखिल करना होगा। जिला परिषद प्रत्याशी समाहरणालय में प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 9 में एनईपी डायरेक्टर इंदु रानी के समक्ष पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी अनुमंडल कार्यालय में इजलास 2 में रिटर्निंग ऑफिसर सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंड के मुख्य और वार्ड सदस्य प्रत्याशी अंचल सह प्रखंड कार्यालय में समय 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पर्चा दाखिल करेंगे। मुखिया प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर सीईओ के यहां नामांकन कर सकेंगे, जबकि वार्ड सदस्य प्रत्याशी अपने रिटर्निंग ऑफिसर बीडीओ के पास नामांकन करेंगे। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए वार्ड सदस्य को स्वघोषणा परिशिष्ट 3 में करनी होगी, जबकि मुखिया पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्यों को परिशिष्ट 4 के साथ शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के लिए दंडाधिकारी या नोटरी से करवाना देनी होगी। वार्ड सदस्य सत्यापित शपथ पत्र प्रपत्र 29 के माध्यम से समर्पित करेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य को प्रथम श्रेणी के लिए दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक से हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रपत्र के माध्यम से समर्पित करना होगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर पंचायत चुनाव में आधी आबादी 50% की रियायत दी गई है। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के वार्ड सदस्य के लिए 100 रुपए, मुखिया के लिए 250 रुपए तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित है, जबकि महिला प्रत्याशियों के सभी पदों में नामांकन शुल्क में 50% की छूट है। वार्ड सदस्य के लिए महिला प्रत्याशियों को 50 रुपए, मुखिया व पंचायत समिति सदस्य के लिए महिला प्रत्याशियों को 125 रुपए तथा जिला परिषद सदस्य के लिए महिला प्रत्याशियों को 250 रुपए के शुल्क देने होंगे।